गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ. टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव थ्योरम 6.6. ओके, वैसे सिलेबस में इसके बारे में मेंशन है कि ये शायद नहीं आएगा, फिर भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, आइए चलते हैं. क्या लिखा हुआ है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. तो हम लोग दो ट्राइंगल बना लेते हैं. से ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड अनदर ट्राइंगल इज पी क्यू आर. ओके, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम लोग प्रूफ में लिख लेंगे गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, हम लोगों को क्या शो करना है? टू प्रूव इन दोनों के एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. ओके, इट मीन्स ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर. ओके, सो इस चीज़ को हम लोगों को प्रूफ करना है. इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन, चूँकि बात एरिया की है, तो एरिया के लिए हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने यहाँ हाइट बना लिया जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, डी टी. ओके, तो हमने दो हाइट दोनों ट्राइंगल में बना ली. कौन कौन सी? ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी टी इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. ओके, तो ये हम लोगों ने हाइट का कंस्ट्रक्शन कर लिया. चलिए सॉल्यूशन करते हैं और प्रूफ. सबसे पहले इसके एरिया का हम रेशियो कंसिडर करेंगे. उससे पहले हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए बी सी एंड एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन. ओके, अभी करते हैं हम लोग. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. व्हाट इज बेस? बेस इज बी सी इंटू हाइट ए डी. ओके, सेम हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी टी. ओके, सो यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका बी सी अपॉन में बी सी इंटू ए डी अपॉन में क्यू आर इंटू पी टी. ओके, क्यू आर इंटू पी टी से इक्वेशन वन. अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि ए डी और पी टी को बी सी और क्यू आर कर दें, जिससे इसका स्क्वायर हो जाए. तो हम लोग फिर से कंसिडर करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू टी. लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू टी. ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. ऐसा मैंने क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन वन, बिकॉज ट्राइंगल आर सिमिलर. ओके, सिमिलर होंगे तो उसके एंगल्स सब क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, 90 डिग्री ईच. सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू टी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी. ओके, देन वी कैन फाइंड ईजली ए बी अपॉन में ए डी, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू
AD अपॉन में PT, ओके। तो यहाँ से हमने ये पा लिया, बट AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, व्हाई? बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन सेज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर सिमिलर। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके सारे एंगल इक्वी एंगल्स होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे और सारे साइड प्रोपोर्शनल होंगे, ओके। इसका मतलब AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो ये फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बट AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके, फ्रॉम वन। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अभी हमने AB को इससे रिप्लेस कर देना है, सो AD अपॉन में PT इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन टू। अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अभी बी सी इंटू बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू क्यू आर, इट मीन्स बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 6.4। हियर क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ई एफ की वैल्यू दी हुई है, हमें बी सी की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहला काम डायग्राम बना लेते हैं। से ए बी सी एंड डी ई एफ, ओके, डी ई एफ, और ये दोनों क्या दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। बाकी इसमें साइड ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसे हमने मान लिया x सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं, गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, ओके, एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ डी ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। टू फाइंड हमें क्या पता करना है, लेंथ ऑफ बी सी, ओके, बी सी, बी सी इज इक्वल टू एक्स हमें पता करना है। चलिए पता करते हैं प्रूफ या प्रोसीजर। चूँकि ट्राइंगल जो है सिमिलर दिया हुआ है और इसके एरिया भी दिए हुए हैं, तो हम थियरम 6.6 का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, किसी एक साइड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेस को, सो बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर, ओके, या सेपरेटली आप बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका एरिया कितना दिया है 64
सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीसी हमको पता करना है 1 सेंटीमीटर, ईएफ दिया है 15.4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ रेशियो है तो यूनिट का रेशियो में कोई मतलब नहीं होता है। ओके, यहाँ से हमने यूनिट को हटा दिया, डायरेक्टली वैल्यू लिखा हमने 64 अपॉन में 121 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x अपॉन में 15.4। ओके, सो x इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 11। ओके, अगर आप ध्यान दें तो 154 जो है 15.4 कैंसिल हो जाएगा 11 से 1.4 टाइम में, 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44। ओके, फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 फोर जा 32, कैरी 3, 8 वन जा 8 वन 11। ओके, 8 3 11.2 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ बी सी इज, सो बी सी इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी, इसका मतलब ए बी जो है सी डी का दो गुना हो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, मान लिया ए बी और ये हो गया हम लोगों का सी डी। ओके, ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी। ओके, और ये साइड पैरेलल है इसके, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी एंड सी ओ डी। ओके, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसका एरिया, एरिए का रेशियो बराबर होगा उसके साइड के स्क्वायर के। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल। ओके, नाम भी दे सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, और ये वर्टिकल अपोजिट, बट हमें दो ही एंगल की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है गिवन। ओके, गिवन में क्या है, ए बी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी, इट मीन्स ए बी जो है सी डी का ट्वाइस है। ओके, दो गुना है। तो अगर ए बी को हमने डी सी को हमने एक्स माना तो ए बी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, तो चलिए, और टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। ओके, चलिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहला काम, हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोथ बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। नाउ हियर वी कैन यूज थियरम 6.6। ओके, हमें केवल इस बेस से रिलेशन दिखाना है तो उसी को हम लोग कंसिडर करें। सो एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू, ए ओ बी हमारा नीचे, इट मीन्स ए बी और डी सी हमारा जो है ना, या सी डी आप बोल सकते हैं, सी ओ डी, सी डी का स्क्वायर बाई थियरम 6.6। ओके,
ए बी और सी डी में रिलेशन दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ए बी टू सी डी के बराबर है, तो वी कैन रिप्लेस ए बी बाई टू सी डी। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा हमारा टू सी डी, टू सी डी अपॉन में सी डी का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा फोर सी डी का स्क्वायर अपॉन में सी डी का स्क्वायर, सी डी के स्क्वायर से सी डी का स्क्वायर कैंसिल, फोर अपॉन में वन और फोर इज टू वन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड।